साथियों, हमने साधारण ब्याज पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, कुछ टाइप्स और बचे हुए हैं तो उनको कवर करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करें। उससे पहले आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम साधारण ब्याज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, कुछ टाइप्स कवर हुए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपके ब्याज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम चर्चा करेंगे। ब्याज कम ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से चेंजेस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक कोई पर्सन है, कुछ राशि 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक है जी। यदि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर जो है, रेट है, वो 2% अधिक हो जाए, मतलब जो पहले थी उससे 2% ज़्यादा हो जाए, तो जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, उसे 960 रुपया क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। मतलब जो पहले मिल रहा था, पहले अगर सपोज 100 रुपया मिल रहा था तो उसमें 960 रुपया और ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ज्ञात करना है मूलधन क्या होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली हम कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। सिंपल सा जब ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका शॉर्ट ट्रिक अगर लेके चलो तो सही तरीका है। उसने बोला है 2% अधिक हो जाए तो हमें ब्याज के रूप में 960 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 2% जो है 960 रुपये के बराबर है, पर ये 2% हर एक वर्ष बढ़ेगा, मतलब 4 वर्ष में 2% का कितना हो गया, 8% हो गया। तो 4 वर्ष में कितना होगा, 8%। ये 8% जो है 960 के बराबर होगा, ना कि क्योंकि अगर मैं 2% इज इक्वल टू 960 करता तो 1 वर्ष का आता। इस तरीके से क्योंकि 4 वर्ष ना, 2% प्लस 2% कितनी बार, 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% 4 बार करेंगे तब जाके 8 होगा। इसलिए 2% 8% × 4 = 8% किसके बराबर हो गया, 960 के, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो गया, 960/8 काट लीजिए, 8 कम 8 और 8 × 16, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 120 × 100, तो ये हो गया 12,000 के। तो आपका मूलधन जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ये आपका बेसिक तरीके से नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको किया। यही क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से करना होता तो कैसे करते वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई इस केस में आपका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अभी है 960 रुपया ज़्यादा, कितने 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष समय, 4 वर्ष हो गया, और रेट जो हो जाएगी वो 2% × 4 = 8% हो जाएगी, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया SI × क्या होता है, 100/P × R, T × R, समय और रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपको मिला 960 रुपया × 100/टाइम जो है वो आपका 4 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लगा लीजिए, यहाँ डायरेक्ट 8 ना लिख के आपको सीधा लिखना होगा, 2% हर साल बढ़ रहा है तो ये इसके अंदर सेट हो जाएगा 2%। तो काटिए आप जिससे जो कट रहा है 50, और इसको अगर काट रहे हो तो 4 × 8 और 4 × 16, ठीक है। इसको सोल्व करो तो 0 और एक और 0, 5 × 20 और 5 × 10 = 12, ये आ गया। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 12,000। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। साथियों, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4% की दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% कम होता है, क्या होता है, जो पहले थे उससे 4% कितना हो जाए, कम हो रहा है, लेस हो रहा है, कितना, 4% कम हो जाता है, तो ब्याज के रूप में मुझे कितना, 10,800 रुपया कम प्राप्त होता है। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कम कितना प्राप्त होगा, कम लेस 10,800 रुपया कम प्राप्त होता है। तो आपको प्रिंसिपल मूलधन निकालना है, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक से चलना चाहे तो सबसे सिंपल तरीका है, कैसे समझना, कितने टाइम के लिए उधार दिया गया, 3 साल के लिए, कम कितना हुआ, 4%। तो कुल कम कितना हुआ, कुल दर जो हुआ 3 वर्ष की वो कितना हो गया, दर बोले तो आर, रेट कितनी हो जाएगी भाई, 4 × 3 = 4×12 12% हो गया। मतलब और कितना पैसा मिल रहा है, कम कितना मिल रहा है, 10,800। तो 12% किसके बराबर हो गया, 10,800 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 10,800/12। तो 12 का पहाड़ा अगर आप बोलें
तो 12 * 108 होता है, 12 * 108 900 हो गया, मतलब 1% किसके बराबर हुआ, 900 के, ठीक है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 900 × 100, इसका मतलब कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 90,000 रुपये आपको मिलेगा, किसके रूप में, आपके प्रिंसिपल जो होगा उस समय कितना हो जाएगा, 90,000 रुपया, 90,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर? तो एक अधिक वाला हमने समझ लिया, एक कम वाला भी समझ लिया। और एक क्वेश्चन और लेते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ पैसा मार्केट से उठाते हैं और थोड़ा ज़्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में लेके उसको दूसरे को दे देते हैं, तो क्या उन्हें फ़ायदा मिलता है, वो उस तरह का भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है सामने कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, वह उसे तत्काल 6 से 1/4% वार्षिक दर पर उधार दे देता है, तो इस सौदे में उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, यह आपको बताना है, कितने रुपए का लाभ प्रतिशत वह निकालना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन में तो जब भी आप आए ध्यान रखना, पुराना वाली जो दर है और नई वाली दर दोनों का निकाल लो डिफरेंस, ठीक है। तो रेट जो हो जाएगी पहले अभी जो हुआ 1/4% हो गया और माइनस पुराना, ये दोनों का जब डिफरेंस निकालो तो आप प्रैक्टिकल दो 6 में से 4 किया दो, 2 सही 1/4% हो जाएगा ये, ओके। ये आया आपका दर, 4 × 2 = 8 और 1 * 9 = 9/4 हो गया, तो रेट आपका हो गया बेसिकली देखना है 9/4%, क्लियर। ये हुआ एक 9/4% हुआ, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इस सौदे में से कितने का लाभ हुआ ये हमें देखना है। अब 4 वर्ष के लिए लिया तो दो वर्ष के लिए उसने लिया तो 2 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा जी, 9/2%, ठीक है। अब रेट हो गया 9/2 2 वर्ष के लिए, तो 5,000 का आपको 9/2% निकालना है, तो 5,000 का 9/2% कैसे निकलता है, 9/2 काटो जी, कितना हो जाएगा, 2% मतलब डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/100, अभी 2 जीरो तो उड़ गए ये दोनों, इस 2 जीरो से अब बचा कितना, 25, और 25 × 2 = 225, तो 225 रुपये ही होता है लाभ, ठीक है। अब इसको लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो आप मूलधन आपको पता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ 225 अपॉन क्या, मूलधन 5,000 × 100 काटो जी, ये काट दो किसके, 25 × 50 25 × 225 प्रैक्टिकली देखा 9/2% का लाभ हुआ, ठीक है ना, तो ये हमने निकाला था। तो इसका मतलब आप लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो आप ये लीजिए, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है, तो 4 से 1/2 भी आ सकता है ये लाभ प्रतिशत में, या फिर आपको ऑप्शन में 225 रुपये मिलेगा, क्लियर। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी हो कमेंट ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ओके। और